हेलो गाइस, आज हम आप लोगों को एक ऐसा ऐप के बारे में बता रहे हैं जिसका नाम है डिजिटल लॉकर। डिजिटल लॉकर इसे मिले हम डाउनलोड कैसे करते हैं ये देखते हैं। डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर ओपन किया। ओपन करने के बाद एंट्री करेंगे डिजी लॉकर। ये डिजी लॉकर एक ऐसा ऐप है जिसमें आप डिजिटली डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं और एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक गवर्नमेंट ऐप है लिख भी सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐप है, सरकारी ऐप है। ये डिजिटल लॉकर वॉलेट इसे क्लाउड स्टोरेज का भी कर सकते हैं, इसमें स्टोर कर सकते हैं। इसे ओपन करते हैं। हम मेरे फ़ोन में पहले से इंस्टॉल है तो मैं सीधे ओपन कर लिया। अब देखेंगे इसमें बहुत सारे संस्थाएं का डॉक्यूमेंट को आप स्टोर कर सकते हैं और डिजिटली वैलिड भी है। जैसे कि हमारा देख लीजिए आधार कार्ड अपलोड करने के लिए आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे। फर्स्टली तो आपको इसमें एक अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप ऐड कर सकते हैं। इसमें अकाउंट क्रिएट आधार नंबर से भी हो जाएगा, फ़ोन नंबर से होगा, लेकिन फर्स्टली आपको इसमें आधार कार्ड लिंक करना होगा। तो उसके लिए आधार कार्ड पर क्लिक किया, वहाँ पे अलाउ किया और आपको अपना आधार नंबर डाल के, जिसमें मेरा आधार कार्ड पहले से लिंक है, तो आधार नंबर डाल के OTP डाल के इसे सबमिट करना होगा। इसे आधार कार्ड डाल सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के, देखिए इसमें बाइसिकल टैक्स रिसिप्ट रख सकते हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट भी रख सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन ऑफ बाइसिकल जिसे आप RC कहते हैं RC रख सकते हैं, और बाइसिकल इंश्योरेंस, इतने सारे डॉक्यूमेंट रोड ट्रांसपोर्ट का भी रख सकते हैं। उसको इनकम टैक्स का पैन वेरिफिकेशन, पैन का पैन कार्ड लोड कर सकते हैं, सेंट्रल बॉडी नेशनल। इसमें बहुत सारे ऐसे ऐप हैं संस्था जिसका डॉक्यूमेंट डिजिटली रख सकते हैं और ये वैलिड भी है। जैसे मैंने रख रखा डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद, आप यहाँ इशू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने के बाद अपना डॉक्यूमेंट व्यू कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखा, आधार कार्ड, LPG सब्सक्रिप्शन वाउचर है, पैन कार्ड, रजिस्ट्रेशन ऑफ बाइसिकल और बाइसिकल इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है। और ध्यान है कि ये डिजिटली वैलिड है, यहाँ तक पैन कार्ड आपको डिजिटली EKYC के लिए वैलिड है और ये RBI के गाइडलाइंस के अनुसार दिया गया है। फिर मैं होम पे क्लिक कर लूँ, यहाँ देखिए स्टेट वाइज जितने भी अभी गवर्नमेंट संस्था अटैच हो रखा है उसके स्टेट वाइज बहुत सारे संस्था का डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। जैसे बिहार के में देखिए बिहार बोर्ड का जो सर्टिफिकेट है 10th 12th, अब उसको अटैच कर सकते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत ये है, बिहार बोर्ड का भी 18 साल के बाद वाले हैं, 2018 के बाद वाले हैं डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। लेबर एंड रिसोर्स ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का भी डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे स्टेट है, एजुकेशन, सेंटर फॉर सिक्योरिटी नेशनल, इन सारे का भी देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। सर बैंकिंग इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट के लिए लाइफ इंश्योरेंस हो गया, न्यू एडियंस है, जितने भी इंश्योरेंस कंपनी अभी अटैच हो रखी है डिजिटल लॉकर से उसका आप डॉक्यूमेंट यहाँ डिजिटली देख सकते हैं लिंक करके। हेल्थ इंडिया के हेल्थ का देख सकते हैं, जितने उसके अदर में इतने सारे। तो सिंपली अटैच करने के लिए आप क्लिक करें जो भी डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हैं, उसको अटैच होने के बाद आप इशू डॉक्यूमेंट पे आकर देख सकते हैं। यहाँ पर रिफ्रेश बटन आइकन है, जो रिफ्रेश भी क्लिक कर सकते हैं और आपको सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट देखना हो उस पर सिंपली क्लिक करें और आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। दोस्तों डिजिटल लॉकर के बहुत सारे फ़ायदे हैं। फर्स्टली कि आपको डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी नहीं रखना पड़ता, कोई भी डॉक्यूमेंट को आप डिजिटली शो कर सकते हैं। आधार कार्ड वैलिड है, रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विस जो भी कहीं पर ट्रेवल करते हैं एज ए ID प्रूफ डिजिटल आधार कार्ड हमारा वैलिड है। पैन कार्ड भी वैसी वैलिड है, पैन कार्ड EKYC के लिए भी वैलिड है। RC बाइसिकल जो गाड़ी का पेपर है वो आप डिजिटल लॉकर किसी भी रोड पर चल रहे हैं तो हार्ड कॉपी रखने की ज़रूरत नहीं है, डिजिटली डॉक्यूमेंट शो करते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस डॉक्यूमेंट चेक करता है, RC बाइसिकल इंश्योरेंस, टैक्स रिसिप्ट, ये सारे दिखा सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।